अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ऐसे, पेज नंबर 85 से स्टार्ट है। एवरी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी रिस्पेक्ट इज्जत करता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की। हर पाकिस्तानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की इज्जत करता है। ही इज़ वो हैं द फाउंडर बानी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के बानी हैं। ही इज़ द फादर वो बाप हैं, वो वालिद हैं ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी कौम के। He was born, वो पैदा हुए इन कराची, कराची में on 25th December, 25 दिसंबर को 1876, 1876 को। वो कराची में 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। He got, उन्होंने हासिल की अर्ली एजुकेशन, इब्तदाई तलीम फ्रॉम कराची, कराची से। उन्होंने इब्तदाई तलीम कराची से हासिल की। देन फिर ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लिस्तान चले गए, इंग्लैंड चले गए फॉर हायर स्टडीज, आला तलीम के लिए। फिर वो आला तलीम के लिए इंग्लैंड चले गए। ही केम बैक, वो वापस आए टू द कंट्री, मुल्क को, एंड प्रैक्टिस ला, और ला की कानून की मशक की, मतलब कानून पढ़ा। वो मुल्क वापस आए और कानून पढ़ा। ही वाज एन, वो एक थे आउटस्टैंडिंग लायर, शानदार वकील ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के, वो अपने वक्त के, अपने दौर के एक शानदार वकील थे। दोबारा देख लें, एवरी पाकिस्तानी रिस्पेक्ट्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, हर पाकिस्तानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की इज्जत करता है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी हैं। ही इज़ द फादर ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, वो पाकिस्तानी कौम के वालिद हैं। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन 25th दिसंबर 1876, वो कराची में 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। ही गॉट अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची, उन्होंने कराची से इब्तदाई तलीम हासिल की। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, फिर तब या फिर वो आला तलीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। ही केम बैक टू द कंट्री एंड प्रैक्टिस ला, वो मुल्क वापस आए और ला कानून पढ़ा। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग लायर ऑफ हिज टाइम, वो अपने वक्त के, अपने दौर के एक शानदार वकील थे। इसके साथ वर्ड्स मीनिंग है, रिस्पेक्ट इज्जत करता है फाउंडर बानी, नेशन कौम, अर्ली एजुकेशन इब्तदाई तलीम, हायर स्टडीज आला तलीम, आउटस्टैंडिंग लायर नुमाया या शानदार वकील। डायरी है हाफ ऐसे लर्न प्लस राइट।